दिल्ली में 5 महीने बाद आए कोरोना के सबसे अधिक मामले। दिल्ली में बढ़ाई गई ओमिक्रॉन डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स। अगले साल से डीयू में एडमिशन के लिए देना होगा एंट्रेंस टेस्ट। और वर्ल्ड फेमस दिल्ली के सर्दी ने परेशान किया कार्तिक आर्यन को। जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली के 4 और अस्पताल बनाए गए ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर। अब 5 अस्पतालों में होगा इलाज। राजधानी में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरह से इस नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी में जुटी है। इसी तैयारी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 4 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर बनाया है। इनमें सर गंगाराम हॉस्पिटल, मैक्स साकेत, फोर्टिस वसंत कुंज और बत्रा हॉस्पिटल तुगलकाबाद शामिल है। अब इन हॉस्पिटल्स में भी ओमिक्रॉन का इलाज हो सकेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की संख्या 5 हो गई है। इससे पहले केवल दिल्ली सरकार का लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ही ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर था। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली में पिछले 5 महीने के दौरान किसी भी एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले शनिवार को सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 86 नए मामले। इससे पहले 8 जुलाई को एक दिन में कोरोना वायरस के 93 केस आए थे। हालांकि लगातार 10वें दिन कोविड से कोई मौत नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा 25,100 है। होम आइसोलेशन में 203 मरीज है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 484 है। दिल्ली में प्लम्बर पकड़कर कनेक्शन कराने की मारामारी होगी खत्म। अब जल बोर्ड खुद करेगा कनेक्शन। अब पानी के लिए कनेक्शन लेने के बाद आपको खुद कनेक्शन नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि जल बोर्ड यह कार्य करके आपके घर तक आपूर्ति देगा। इसका फायदा ये होगा कि जहां ग्राहकों को अपना प्लम्बर पकड़कर कनेक्शन के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी, वहीं जल बोर्ड की पाइपलाइन और सड़क खराब नहीं होगी। अब जल बोर्ड ने नजफगढ़ में पानी की लाइनों को बिछाने के बाद पीने योग्य साफ पानी की आपूर्ति करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। आवेदनकर्ताओं को तय शुल्क जमा करने के बाद जल बोर्ड खुद ही पानी का कनेक्शन देगा। अब खत्म होगा इंतजार। 21 दिसंबर से चालू होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय का इंतजार खत्म होने वाला है। 21 दिसंबर 2021 की सुबह 8 बजे से यहां पर टोल चालू किया जाएगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए पाथ इंडिया नाम की कंपनी को टेंडर जारी किया गया है। परिवहन विभाग ने इसकी मंजूरी दी है। इसके लिए गैजेट जारी भी हो चुका है। इससे पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों के लिए टोल टैक्स का रेट जारी कर दिया था। ऐसे में अब मुफ्त का सफर जल्द खत्म होने वाला है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिल्ली से मेरठ तक 4 पहिया वाहन में सफर करने वालों को 140 रुपए टोल टैक्स के रूप में अदा करने होंगे। अब एंट्रेंस टेस्ट होगी डीयू के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने दी मंजूरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगले साल से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन होंगे। इस प्रस्ताव को डीयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस आखिरी मंजूरी मिलने के बाद ये तय हो चुका है कि यूजी कोर्सेज में एडमिशन अब कट ऑफ के आधार पर नहीं होगा, बल्कि एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही होंगे। हालांकि ये तय नहीं हुआ है कि एंट्रेंस के अलावा 12वीं क्लास को वेटेज मिलेगा तो कितना मिलेगा। यूपी बिहार समेत कई शहरों में जाने वाली कई ट्रेनें रद्द। कोहरे का प्रकोप अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कई ट्रेनें पटरी से हट गई हैं। 1 दिसंबर से फरवरी तक 31 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। वहीं कानपुर शताब्दी, गोरखपुर हमसफर, भागलपुर शताब्दी सहित कई ट्रेनों के फेरे कम कर दिए गए हैं। इससे सर्दी शुरू होते ही यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। कोहरे की परेशानी शुरू होने से पहले ही ट्रेनें निरस्त करने पर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पहले से योजना बनाकर सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है। दिल्ली से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें जिन्हें कैंसिल कर दिया गया है, उनमें लक्ष्मी एक्सप्रेस, नई दिल्ली रोहतक इंटरसिटी, नई दिल्ली आगरा कैंट इंटरसिटी, आनंद विहार टर्मिनल, सीतामढ़ी लक्ष्मी एक्सप्रेस शामिल है। दिल्ली के बिंदापुर में SBI के ग्राहक सेवा केंद्र में बदमाशों ने की लूटपाट। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने लूटपाट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित महराज खान सहयोग विहार मटियाला में स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। उनका आरोप है कि 4 लड़कों ने पैसे जमा करने के बहाने उन पर पिस्तौल तान दी। उसके बाद एक लड़के ने काउंटर में रखे 5,000 रुपए निकाली। लूटपाट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली के सदर बाजार में बिजनेसमैन से 26 लाख की लूट। 4 बदमाशों ने गन पॉइंट पर वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। यहां सदर बाजार में शुक्रवार को 4 बदमाशों ने एक दुकानदार को बंधक बनाकर उसकी दुकान की 26 लाख रुपए लूट लिए। दुकानदार ने बताया कि दुकान पर 4 अज्ञात लोग पिस्टॉल के साथ घुस गए और उन्होंने दुकान पर मौजूद अन्य 2 लोगों के साथ उन्हें बंधक बना लिया, उनके हाथ पैर बांध दिए, यहां तक कि पिस्टॉल से उनके सर पर हमला भी किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। फिर उन 4 बदमाशों ने दुकान पर मौजूद तिजोरी में रखे 26 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है। दिल्ली में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। जहां बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से भी नीचे लुढ़क गया है, वहीं मैदानी इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक
दिल्ली और एनसीआर में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जो अभी न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री पर बना हुआ है। कार्तिक आर्यन से दिल्ली की कड़ाके की ठंड में नहीं हो रही शूटिंग, क्या आम क्या खास, दिल्ली की सर्दी सबको सताती है। कार्तिक आर्यन इन दिनों राजधानी दिल्ली में फिल्म शहजादा की शूटिंग में बिजी हैं। आए दिन एक्टर फिल्म से जुड़ी अपडेट सोशल मीडिया पर फैंस संग साझा करते रहते हैं। अब कार्तिक आर्यन ने एक बड़े ही मजे की बात शेयर की है। कार्तिक दिल्ली में और राजधानी का पारा इस वक्त नीचे गिरता जा रहा है। कार्तिक दिल्ली के सर्द हवाओं में कांप रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है। इस तस्वीर के साथ कार्तिक आर्यन लिखते हैं, यार यहाँ तो बहुत ठंड है। इस तस्वीर में कार्तिक ने चश्मा और ठंड से बचने के लिए ईयर बैंड भी लगाया हुआ है। कुल मिलाकर शहजादा एक्टर दिल्ली में ठंड से बुरी तरह कांप रहे हैं। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।